हम लोग जाएंगे हमारी इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, 10th में आपको तीन तरह के निबंध आते हैं, आपको चॉइस होता है तीन में से एक लिखना होता है। प्रसंग लेखन क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल पार्ट वन में बताया है। आज हम देखेंगे आत्मकथा, मतलब जो बच्चे सोच रहे हैं प्रसंग लेखन देखने के बाद कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए ऑप्शन दो हम लोग देखेंगे कि आत्मकथा में उनको क्या है, मतलब आत्मकथा उनको लिखने को पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए हमारा विभाग 5 मतलब राइटिंग स्किल पूरे 24 मार्क्स का है। 8 मार्क्स के लिए आपको निबंध आने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स है, तो इसके लिए हमें फोकस थोड़ा करना होगा। उस वीडियो में भी स्टार्टिंग में मैंने जो चीज़ें बताई थी निबंध पार्ट वन में, वही चीज़ें कुछ इस पार्ट में भी बताना चाहती हूँ बैकग्राउंड के लिए। निबंध लिखण्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे, मतलब निबंध लिखने के लिए कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टंट है। तो आपको मराठी भाषा का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तुमची समझ, मतलब आपको जो आपकी समझ एज अ 10th लेवल की होनी चाहिए। आपको फर्स्ट सेकेंड या फिर फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चों के जैसा नहीं सोचना है निबंध लिखते समय, आपको 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सोचना है। आपकी जो भाषा है तुमची भाषा चांगली असली पाहिजे, ठीक है। आप जो लिखोगे वो अच्छे और नीट एंड क्लीन शब्द उसमें यूज़ करोगे। तुमसे अभ्यास, मतलब आप जिस टॉपिक पे लिखने वाले हो उसके उसका आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। और बाद में तुमसे विचार मांडण्याचे कौशल्य, मतलब आप आपके जो थॉट्स है विचार है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो शब्दों का माध्यम जो है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है तुमच्या भावना आणि कल्पना, मतलब आप में जो भावनाएं होनी चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, तो उसी टॉपिक पे आप लिख सकते हो। आपकी कल्पनाएं अच्छी होनी चाहिए। विषयाची मुद्देसूद मांडणी, मतलब आपको जो भी निबंध लिखना है वो पॉइंट वाइज अच्छे से लिखना आना चाहिए। अगर कोई एक पॉइंट भूल भी जाते हो तो उसमें उसको बाद में ऐड मत कीजिए, क्योंकि वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता है। नेक्स्ट है आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए निबंध में, वो बहुत ही सादी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो समझे सामने वाले व्यक्ति को। बाद में आपका जो हस्ताक्षर है वो शुद्ध, एटलीस्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला उससे पढ़ सके। शुद्ध लेखन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी लिखेंगे उसमें काना मात्रा वेलांटी उकार सब राइट होना चाहिए। ये मैंने डिटेल में पहले वीडियो में बताया है, पर थोड़ा सा मुझे लगा ज़रूरी कि जो नए बच्चे हैं वो यही वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया। अभी आगे है, नक्की कोणता निबंध निवडावा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो परीक्षेत दिलेल्या विषयांपैकी तुम्हाला कोणता विषय छान आणि सहज लिहिता येतो तो विषय निवडा। मतलब एग्जाम में आप पहले ही प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता होंगे कि आपने सॉल्व पेपर या क्वेश्चन पेपर देंगे होंगे देखे होंगे, तो आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपको कौन से विषय पे ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना आता है, इजीली लिखना आता है, तो वही जो टॉपिक है वो आप चूज कीजिए। ज्या विषयाची तुम्हाला सगळ्यात जास्त माहिती आहे तो विषय निवडा, मतलब जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता है वो सब्जेक्ट हमेशा चूज करने का निबंध लेखन के लिए। ज्या विषयाबद्दल तुम्हाला सुविचार किंवा घोषवाक्य माहीत आहे, मतलब जिसके बारे में आपको अच्छे सुविचार पता है, घोषवाक्य स्लोगन्स पता है उसके, वही सब्जेक्ट आप चूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ता है। त्या विषयावर तुम्हाला स्वतःचे विचार मांडता येतात का, याचा विचार करा, मतलब आपको खुद के भी थॉट्स है कि नहीं उस टॉपिक के ऊपर, ये भी सोचिए। और मेनली आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसका मेन जो टॉपिक है ये वीडियो का, वो है आत्मकथा। जो बच्चे आत्मकथा ये चूज करने वाले हैं विषय, तो उसके बारे में उनकी जो भी डाउट्स है क्वेरीज है वो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी। बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन आता है आत्मकथा मतलब क्या, ओके आत्मकथन निबंध म्हणजे नक्की काय असतं, तर ते आपण सगळ्यात पहिल्यांदा पाहूया। एखादी निर्जीव गोष्ट सजीव असल्याप्रमाणे तिचे विचार व्यक्त करणे म्हणजेच आत्मकथन करणे असं होतं, ओके। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी निर्जीव, निर्जीव यानी जिसमें जीव नहीं हो, ओके, नॉन लिविंग थिंग है कोई, जैसे कि आपका टेबल है, कुर्सी है, छाता है, तो उनको ऐसे इमेजिन करना है कि उसमें जान है। अगर जान होती तो वो क्या करते, आपसे क्या बोलते, ठीक है। तो ये निबंध बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध होता है, आपको यहाँ पे इमेजिनेशन का बहुत स्कोप होता है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे हैं जो इमेजिन उनका बहुत अच्छा है, वो इस टाइप के निबंध को हमेशा चूज कर सकते हैं, ठीक है।
सो मराठी मुलांना हेच सांगते आहे की आत्मकथन म्हणजे नक्की काय असतं, तर एखादी निर्जीव गोष्ट, फॉर एक्झाम्पल पुस्तक आहे, पुस्तकाचं मनोगत, मग जर तुम्ही स्वतः पुस्तक असता तर तुम्हाला काय वाटलं असतं याबद्दल तुम्हाला कल्पना ज्या आहेत तुमच्या त्या व्यक्त करायच्या आहेत, म्हणजेच निर्जीव गोष्ट सजीव असल्याप्रमाणे आणि ती गोष्ट आपण स्वतःच आहोत असं समजून जर तुम्ही निबंध लिहिला तर तुम्ही खूप छान निबंध लिहू शकता इथे. दुसरा जो प्रकार होता है आत्मकथन का, यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ. आत्मकथन याला इतर कोणते शब्द आहेत, मतलब आत्मकथन इसको अलग अलग शब्दों में भी बयां किया जाता है, जैसे कि मनोगत, कैफियत, आत्मनिवेदन आणि आत्मवृत्त. ठीक है, सो जैसे कि आत्म शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त, तो यहाँ पे आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप खुद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेतकरी लिविंग बींग है, सजीव है, पर आपको क्या लिखना है, आपको शेतकरी के बारे में नहीं लिखना है, तो आपको आप खुद शेतकरी हो, आप खुद फार्मर हो और आपको क्या टेंशन है ये आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, आत्मकथन का मतलब आप खुद वो हो, वो इमेजिन करो. फॉर एग्जाम्पल मी पंतप्रधान झालो तर, तो आपको यहाँ पे खुद को पंतप्रधान इमेजिन करना है. ठीक है, और आपको लिखना है कि आप क्या करोगे, आपके साथ क्या होगा. ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए. आगे है, या प्रकारचा निबंध कोणी लिहावा, मतलब इस तरह का निबंध किन्हें लिखना चाहिए, किन बच्चों को ऐसा निबंध लिखना चाहिए. देखिए बेसिकली बच्चे सभी इमेजिनेशन, बच्चों का सभी का इमेजिनेशन बहुत ही कमाल का होता है. ओके, क्योंकि वो हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनका दिमाग बहुत ही शातिर होता है, बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं जो बड़े लोग बड़े होने के बाद नहीं सोच पाते. ठीक है, उनका नज़रिया अलग होता है देखने का, तो सभी बच्चे इस टाइप का निबंध लिख सकते हैं. पर स्पेशली कौन से बच्चे, काल्पनिक विचार करणारे, जो बहुत ही काल्पनिक विचार करते हैं, कार्टून्स ज़्यादा देखते हैं, इमेजिनेशन, अरे नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसे जो एनिमेशन मूवीज़ देखते हैं, मतलब जिनको इमेजिनेशन बहुत बढ़िया लगता है, अरे ऐसा होता तो वैसा होता तो ये बच्चे ये निबंध बहुत अच्छे से लिख पाते हैं. बाद में सेकंड चीज़ है, जो बच्चे भावनाएं होती है, इमोशनल थोड़े से होते हैं बच्चे, जो इमोशंस के साथ फटाक से जल्दी से जुड़ जाते हैं, उनको सुख और दुख के बारे में बहुत सारी भावनाएं उनके मन में हैं, वो महसूस करते हैं चीज़ों को, उनके भावना को, तो वो बच्चे इस तरह का निबंध बहुत मन से लिख पाते हैं. बाद में है निर्जीव वस्तु ना, खूब का ही मनापासून निर्जीव वस्तूंबद्दल, ऐसे है निर्जीव वस्तूंबद्दल खूब का ही मनापासून निर्जीव वस्तुन ना काही खूप मनापासून. ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है मेरा, मतलब यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये पीपीटी में मैं चेंज करती हूँ. निर्जीव वस्तुन ना भी, मतलब जिसमें जान नहीं है उस चीज़ के बारे में भी वो दिल से सोचते हैं. ओके, तो उस टाइप के बच्चे इस तरह का निबंध लिख सकते हैं. मराठीत सांगायचं झालं तर, ज्यांना प्रचंड कल्पना करायला आवडते ती मुलं हा निबंध लिहू शकतात. निर्जीव एखादी गोष्ट आहे, फॉर एक्झाम्पल आपल्या घरातला टीव्ही असू द्या, तुमच्या हातातला मोबाईल फोन असू द्या, तुम्ही त्याला इमॅजिन करू शकता, जसं की तो तुमच्याशी बोलतोय तर तो काय बोलेल. सो तुम्ही स्वतः मोबाईल असाल तर तुम्ही काय बोलाल समोरच्या व्यक्तीला, पूर्णपणे आपल्याला त्या पात्रामध्ये जायचं, त्या कॅरेक्टरमध्ये जायचं. ठीक आहे, हिंदी बच्चों को मी बताती हूँ की आपको ऐसा इमेजिन करना है की आप डायरेक्टली आपका कॅरेक्टर उसके साथ शेअर करो. मतलब फॉर एक्झाम्पल मैंने बोला की मैं मोबाइल फ़ोन बात कर रहा हूँ, तो आपका कैरेक्टर आप नहीं होंगे, तभी आप एक मोबाइल फ़ोन होंगे, और मोबाइल फ़ोन अगर आप है तो आप पूरी दुनिया को किस तरह से देखते हो, आपको क्या बातें महसूस होती है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. ठीक है, आप वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं होते, आप वो चीज़ बन जाते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं किसान बोल रही, तो आपको ऐसा देखना है कि किसान के नज़रिए से पूरी दुनिया कैसी है, वहाँ पे आपका किसान के लिए नज़रिया नहीं मायने करता, किसान आपके बारे में क्या सोचता है वो आप खुद किसान इमेजिन करना चाहिए, आपको पूरे उसके कैरेक्टर में आना चाहिए. ठीक है, इस तरह का ये आपको करना है निबंध. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाँ निबंध लिखता ना, एक महत्वाची गोष्ट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत मतलब बहुत, क्यों है, क्योंकि हाँ निबंध लिखता ना करता नेहमी करता नेहमी प्रथम पुरुष एकवचनातच असावा. ओके, मतलब
ये जो निबंध है जब आप लिखते हो तो आपको खुद के बारे में, मतलब मी मोबाइल फोन बोलतो है, मी शेतकरी आहे, मी पंतप्रधान आहे, ऐसे आपको बोलना है। हाँ ओके, तो आपको हमेशा मैं यही बोलना है। आपको प्रथम पुरुष एकवचन, मतलब आप खुद कर्ता, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल शेतकरी के बारे में ही लेते हैं हम लोग, तो मैं ऐसे बोलूँगी मराठी में, मी शेतकरी आहे, मी माझ्या शेतात जातो, मी माझ्या शेतातली कामे करतो। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मी शेतकरी आहे, शेतकऱ्याचे आयुष्य खूप कठीण असते, शेतकरी रोज शेतात जातो, ऐसे नहीं लिखना है। क्योंकि यहाँ पे शेतकरी को आप थर्ड पर्सन कर रहे हो, आपको शेतकरी ये वर्ड बोलना ही नहीं, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसे बोलना है, मी शेतात जातो, माझे जीवन खूप कष्टाचे असते, मला खूप कष्ट करावे लागतात। यहाँ पे आपको ही आप ही बोलना है, शेतकरी ये वर्ड फिर से नहीं आना चाहिए आपके पूरे निबंध में। इसी बात को आप ध्यान में रखेंगे पुस्तक के बारे में, या फिर मैं पेड़ बोल रहा हूँ तो आपको ऐसे बोलना है कि मुझ पे आके बहुत सारे पक्षी उनका घोंसला बनाते हैं। ऐसे नहीं बोलना आपको पेड़ पे आके पक्षी घोंसले बनाते, क्योंकि पेड़ आप खुद हो। तो आपको हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन, मतलब मैं, ये शब्द यूज करना होता है मराठी में। जर तुम्ही लिहिता है तो तुम्हाला मी हा शब्द लिहायचा आहे, मी, मला, माझ्याकडे, ऐसे ही आपको यूज करना है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। अभी आगे हैं, या प्रकारात येणारे काही निबंध, मतलब इस प्रकार में किस टाइप के निबंध आते हैं वो भी थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है मी छतरी बोलती है। ओके, तो मैं छाता बोल रही हूँ, इस पे आप निबंध लिख सकते हैं कि देखिए मैं आपको थोड़ा मराठी में ये बताती हूँ कैसे होता है। खूप जोरात पाऊस पडत होता आणि माझ्या हातात छत्री होती, परंतु ती बिघडली होती आणि त्यामुळे मी एका झाडाच्या आडोशाला जाऊन उभी होती। तेवढ्यात मला आवाज आला आणि मला कळालं की माझ्यासोबत माझी छत्री बोलते। और ऐसा पॅरेग्राफ आपका पहला चालू करके आपको लिखना है, अगं तू मला रिपेअर का करत नाही, मी कधीपासून बिघडले, आता बघ किती पाऊस पडतोय पण मी तुझी काहीच मदत करू शकत नाही कारण मी बिघडली आहे। तू मला कोणत्या दुकानातून आणलेलं हे तुला आठवता तरी आहे का? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नहीं है, ठीक है, मी इकडे एक छत्री आहे आणि म्हणून मी छत्री म्हणूनच पूर्ण माझं पुढचा निबंध चालू करणार। जेव्हा पहिला पॅरेग्राफपर्यंत आपण थोडं बॅकग्राऊंड देऊ शकतो, ठीक आहे, पण जसं आपला सेकंड पॅरेग्राफ जो मेन पॅरेग्राफ चालू होतो, आपल्याला इथे मीच असा शब्द वापरायचा आहे। ठीक आहे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है होगा इस निबंध में छाते के, तो आप छाते का थोड़ा हिस्ट्री बता सकते हो कि छाते का जन्म कारखाने में हुआ, फिर वो दुकान में आता है, उसको कलरिंग होता है, फिर छाता टूट जाता है तो, या फिर हवा से उड़ जाता है, फिर हम लोग सिर्फ मानसून में उसको यूज़ करते हैं, बाद में उसका यूज़ ही नहीं होता, तो उसको कैसे लगता है, क्या लगता है? नए नए छाते आते हैं तो हम लोग पुराने छाते बेच देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, तो उसको कैसा फील होता है? तो ये सभी बातें आपको इसमें सोच के लिखनी है। सेकेंड टॉपिक है सूर्य उगवलास नाही तर, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल्पनात्मक है कि अगर सूरज उगा ही नहीं तो आपको क्या, मतलब आपको फायदे और एडवांटेज डिसएडवांटेज बोथ दोनों भी लिखना है आपको। और बाद में एंडिंग करते वक्त आपको ऐसे ही बोलना है, नहीं, सूरज तो होना ही चाहिए, उसके सिवा कैसे हो जाएगा। ओके, तो सूरज होने के फायदे, और अगर सूरज नहीं हुआ तो क्या डिसएडवांटेज होंगे वो आपको लिखना होगा, कि आपको दिन में भी लाइट यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम लोग नहीं करते क्योंकि घर पे सनलाइट इजीली आ जाता है, फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो पेड़ खाना कैसे बना पाएंगे, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। शेतकऱ्याचे आत्मवृत्त, ये एक तीसरा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया अभी, कि उसकी तकलीफें आपको बतानी है कि गवर्नमेंट उसके बिहाफ में क्या करती है, लोगों का क्या सोचना है, या फिर जो मिडल मैन होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो उनसे बहुत सस्ते में अनाज खरीद लेता है और ज़्यादा नफा प्रॉफिट में वो बाहर बेचता है। शेतकऱ्या की, मतलब शेतकऱ्याची फैमिली, उसका कुटुंब के बारे में उसके जो प्रॉब्लम्स है वो लिख सकते हो। बहुत बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो और मुझसे भी ज़्यादा आप सोच सकते हो। ठीक है, आगे है फाटलेल्या पुस्तकाची कैफियत, मतलब जो फटा हुआ किताब है वो उसकी कैफियत, मतलब उसकी बातें बता रहा है, उसका दुख बता रहा है। तो
वो भी सेम चीज़ बताया गया कि वो कारखाने में किसी लेखक ने उसको लिखा, ठीक है, बाद में उसका प्रकाशन हुआ, फिर उसका बाइंडिंग हुआ, उसका फ्रंट पेज, कलर पेज, बाद में वो कारखाने में से कैसे दुकान में आया, दुकान में से उस लड़के के पास आया, ठीक है, तो वो सब चीज़ें, या फिर पुस्तक और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करेगा, नॉलेज है, तो ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस किरदार में जाना है, ठीक है। पुस्तक मतलब आप खुद पुस्तक हो, तो आप पूरी सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप बयां कर सकते हो उसके सुख और दुख। ओके, सो बहुत लिखने को यहाँ पे स्कोप होता है, और फटाफट फटाफट आपको सूझ जाता है, क्योंकि फटाफट इमेजिनेशन वाला पार्ट होता है, तो ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, पर सूझता बहुत है हमें इसमें, पर आपको एक माइंड सेट ऑफ माइंड अच्छे से रखना है कि आपको मुद्दे सूद लिखना है, मतलब पॉइंट वाइज लिखना है, सूझ रहा है, लिख रहे हो, पर आप पैराग्राफ नहीं बना रहे हो, या फिर प्रॉपरली उसका एंड नहीं कर रहे हो, निबंध का आधे में ही छोड़ रहे हो उसको, तो ऐसा मत लिखिए, ठीक है। आपको जो भी लिखना है वो आपको आपके मार्क्स ध्यान में रख के लिखना है। आपके 3 पैराग्राफ होने चाहिए, फर्स्ट आपका इंट्रो होना चाहिए, मिडल पार्ट जो है आपका मेन सब्जेक्ट, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और एंडिंग वाला आपका पैराग्राफ होता है जहाँ पे आपको कोई उपाय योजना बतानी होती है अगर प्रॉब्लम है तो, कि किस तरह से इसमें बाहर आ सके, ओके। या फिर आपको अच्छे से एंड करना होता है, आपका कंक्लूजन लिखना होता है बेसिकली आपको 3rd पैराग्राफ में। सो इस तरह से आपको निबंध को एंड करना होता है। उसमें स्लोगन यूज़ कर सकते हो, घोष वाक्य, या फिर किसी गाने की 2-3 लाइन यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको आत्मकथन ये निबंध समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको लिखना है। और इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रहता है वैचारिक निबंध, वो पार्ट 3 में मैं आपको बता दूंगी। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपकी वीडियो, मतलब ये जो वीडियो है वो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।